केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्धमान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जनता का वोट सीधे प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनाएगा। शाह के अनुसार पीएम को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुँचाना, देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना। वहीं शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पिछले 10 सालों में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। इसके साथ ही शाह ने मोदी की गारंटी दी और कहा कि सरकार बनने के बाद वर्धमान दुर्गापुर में बंद उद्योगों को वापस शुरू किया जाएगा। भाइयों बहनों, आप सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां से हमारे प्रत्याशी दिलीप घोष जी है, दिलीप दा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बड़े नेता है दिलीप दा। भाई और बहनों, मैं आज एक बात बताने आया हूं। आप जब दिलीप दा के नाम पर, कमल के निशान पर जब बटन दबाओ, तब एक बात याद रखना, आपका दबाया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। आपने मोदी जी को 18 सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल दिया। 12 करोड़ लोगों का शौचालय बनाया, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 4 करोड़ लोगों को घर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। मैं आपको एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, दिलीप दा को जिता दो, वर्धमानपुर की बंद पड़ी हुई, दुर्गापुर की बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा है। नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है। मित्रों, कोई आरोप नहीं। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना आया, आपने 18 सीटें दी, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। इस बार हमने 30 सीटों का लक्ष्य रखा है। मुझे बताओ दुर्गापुर वालों,
30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? दिलीप दा को सांसद बनाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्र सर्वप्रथम